दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा कि आप अपने WhatsApp पे डार्क मोड को कैसे ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंतजार के बाद दोस्तों फाइनली WhatsApp कंपनियों ने डार्क थीम फीचर्स लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके फोन में जो अभी WhatsApp है उस WhatsApp में डार्क मोड का ऑप्शन ना दिया होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपके फोन में जो WhatsApp का बीटा वर्जन है, मतलब WhatsApp 2.20.13 वर्जन का जो WhatsApp है, उस WhatsApp को आपके फोन में इंस्टॉल करना होगा। तो कैसे आप अपने फोन में WhatsApp 2.20.13 वर्जन का WhatsApp डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद डार्क मोड को ला सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक सपोर्ट। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने फ़ोन में WhatsApp को डार्क मोड में करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा WhatsApp है। तो WhatsApp को ओपन करने के बाद डार्क मोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो थ्री डॉट दिए गए हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स। तो आप जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चैट्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप जैसे चैट्स के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम। तो आप जैसे ही थीम के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप दे सकते हैं डार्क। तो आपको क्या करना है, सिंपली से डार्क के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके। तो आपको बस सिंपली से ओके पे क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपका जो WhatsApp है वो डार्क थीम में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे WhatsApp अभी डार्क थीम में आ चुका है। तो यदि आपके WhatsApp 2.20.13 वर्जन का नहीं है तो आपके WhatsApp पे ये जो थीम वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। तो यदि आपके WhatsApp 2.20.13 वर्जन का नहीं है तो 2.20.13 वर्जन का जो WhatsApp है उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। दोस्तों आप ये जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे WhatsApp 2.20.13 वर्जन का जो WhatsApp है उसे डाउनलोड करने का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उस लिंक के ऊपर आप सिंपली से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WhatsApp 2.20.13 वर्जन का जो WhatsApp है उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिए गए है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो तीर का निशान है इसके ऊपर सिंपली से क्लिक कर देना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों WhatsApp 2.20.1 वर्जन का जो WhatsApp है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ये WhatsApp डाउनलोड हो रहा है। तो आप इस वाले वर्जन का WhatsApp अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ये WhatsApp डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों सिंपली इसे ओपन करना है। तो आप जैसे ओपन करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे WhatsApp अभी लाइट में है, ठीक है। तो डार्क मोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो थ्री डॉट दिए गए हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं चैट्स। तो आप जैसे चैट्स के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं थीम। तो आप जैसे थीम के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क। तो डार्क के ऊपर डिकमा करके सिंपल आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों जो WhatsApp है वो डार्क मोड में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे WhatsApp अभी डार्क थीम में आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने WhatsApp में डार्क मोड को ला सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक दिया है मैंने उससे डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप गूगल में जाकर के डायरेक्ट सर्च कीजिएगा कि WhatsApp 2.20.13 वर्जन APK डाउनलोड। उसके बाद दोस्तों आपको WhatsApp बीटा वर्जन ऐप मिल जाएगा, उसके बाद वही से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही बताना था आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और के मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो करना कुछ नहीं, बस नीचे लाल बटन को प्रेस करके साथ ही में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए, क्योंकि हम इसी तरह से डेक्सल तक वीडियोस आप लोगों के लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।